ये स्थिति इसलिए बनी कि संवैधानिक संस्थाओं पर आज की सरकार ने कुठाराघात किया। विधायिका जो एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, चुनाव आयोग जिसको अलग अलग समय पे तोता कहा जाता है, तोता चुनाव आयोग सरकार का तोता है, ये क्यों कहा जाता है, ये क्यों कहा जाता है, ये इसलिए किसके हाथों में है देश, कैसे संविधान मजबूत रहेगा। हमारा देश पहला हो गया विश्व में ऐसा जहाँ 600 से ज़्यादा विधायक बेचे और खरीदे गए, दल बदल हुए, यानी जो संसदीय कार्य प्रणाली है उसको कितना दल बदल के कानून को या राजनीतिक रूप से उस मर्यादा को कितना छीन किया गया। न्यायपालिका, न्यायपालिका पर भी कैसे फैसले मैनिपुलेट किया जाते हैं सरकार के द्वारा, कई बार आरोप लगे हैं। तो स्वाभाविक है कि इस देश की मूल ताकत है धर्मनिरपेक्षता। जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कटोगे तो बटोगे, यानी बटोगे तो कटोगे, यानी ये उस मूल भावना के विपरीत है संविधान की। तो किन हाथों में है देश, एक भाषण से मैं उसकी शुरुआत करना चाहता हूँ। आदरणीय जोशी जी जरा प्ले करो, ये एक भाषण है प्रधानमंत्री जी का जो महाराष्ट्र के चुनाव में उन्होंने अभी भाषण किया था, भानी हो जाएगा। तो महाराष्ट्र के चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि महाराष्ट्र में अगर आप हमें वोट दोगे तो हम 6000 रुपये मिनिमम सपोर्ट प्राइस सोयाबीन का करेंगे। सरकार ने इनका न्यूनतम समर्थन मूल्य 6000 प्रति क्विंटल करने का भी वायदा किया है। एक बात ऊपर से क्या हुआ, महायुति सरकार ने सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6000 प्रति क्विंटल करने का भी वायदा किया है। ये देश के प्रधानमंत्री का भाषण है। सौभाग्य के लिए दुर्भाग्य, देश के कृषि मंत्री हमारे प्रदेश के हैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब। अभी 2 महीने 1.5 महीने पहले किसानों ने आंदोलन किए, किसान के बेटों ने आंदोलन किए और कहा कि सरकार द्वारा 4400 रुपये लागत मूल्य सोयाबीन का, सरकारी आंकड़ा है कि लगता है पर क्विंटल, और सोयाबीन बिक्री है 3500 से 3800 या 3000 से 3800, तो अल्टीमेटली घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो इसके आंदोलन हुए मध्य प्रदेश में, जिलेवार हुए, कई सामाजिक किसानों के संगठन ने और राजनीतिक दलों ने भी किए, कांग्रेस पार्टी ने भी हर जगह किए। हमने बुधनी में भी इसको लेके एक ट्रैक्टर रैली निकाली, चूंकि कृषि मंत्री जी का क्षेत्र था, तो हमने मांग की कि 6000 रुपया क्विंटल किसानों को सोयाबीन के दाम मिलने चाहिए। तो प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में चुनाव लेना था तो बोल दिया। फिर हमारे कृषि मंत्री जी ने कहा हम समर्थन मूल्य पर लेंगे 4830 रुपया, राइट, 4892 रुपया, मतलब लगभग 4900 रुपया, लगभग 2-3 रुपए कम। पर मध्य प्रदेश में कितनी सोयाबीन उसके बाद खरीदी गई, अलग अलग भाषण दिए आप लोगों ने, हेडिंग बनाई चालू, अब फिर से मंडियों में 3000 से 3800 रुपये बिक्री है सोयाबीन। दोषी कौन है, ये पाप शिवराज जी क्यों करते हैं। मैंने दोनों चुनाव में बुधनी के मतदाताओं से और विजयपुर के मतदाताओं से इसी मुद्दे पर वोट मांगे, हमारी कांग्रेस पार्टी ने इसी मुद्दे पर मतदाताओं से बात की थी कि 5 गारंटी थी मोदी की, जिसमें 3100 धान के दाम थे, 2700 गेहूं के दाम थे, 6000 किसानों का सोयाबीन का दाम था, 3000 बहनों के लाडली बहना का दाम था, और 450 रुपये का आपको गैस सिलेंडर देना। तो मैंने कहा लगाम लगाओ,
बीजेपी पे लगाम लगा और लगाम लगाई। जनता ने मैसेज किया कि कांग्रेस पार्टी जो बात कह रही है, हमारे कार्यकर्ता जो बात कह रहे हैं, हमारे नेता जो बात कह रहे हैं, वो सही है, और समर्थन किया सरकार को मजबूर करने के लिए कि ये 5 गारंटी आप मानो, मांगो, दो। मैं फिर से शिवराज जी को, मोहन यादव जी को, क्योंकि वो विदेश में है, अभी इवेंट पे है, परिवार को लेके गए हैं घूमने, और सरकारी अधिकारियों को भी लेके गए हैं वहाँ। मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा मोटे मोटे कोट पहन के घूम रहे हैं, उनके वीडियो आ रहे हैं, उनके साथ धर्मपत्नी भी है, भारतीय परंपराओं में रखनी चाहिए। कुल मिलाकर टूरिज्म पे गए हैं सरकारी पैसे से, कर्मचारियों को, अधिकारियों को लेके। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि ये सोयाबीन का दाम जब 6,000 वहाँ बात हो सकती है, तो यहाँ मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो सकती है? दोगलापन क्यों? ये दो विचार क्यों? देश एक, देश एक कानून, ये भाषा बीजेपी की थी, एक देश दो भाषा, ये किसने कहा? मैं फिर से प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ, कृषि मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि आप ये 6,000 रुपया कुंटल किसानों के दाम का सत्यापन करें और दें, और जो किसान उससे पहले बेच चुके हैं, जो शादी है, ब्याह है, तकलीफ है, बीमारी है, और सोयाबीन मंडी ले जा चुके हैं, उनको भावांतर दें। मुख्यमंत्री बहुत, शिवराज जी भावांतर की बातें करते थे, भावांतर दें। बहुत सा इसका डेटा है, हम लिखित में देंगे आपको कि कितनी सोयाबीन होती है, कितना देना चाहिए, कितना। पर इससे बड़ा एक और मुद्दा है कि प्रदेश में खाद की किल्लत, लंबी लंबी लाइनें, धक्के, महिलाओं के साथ अव्यवहार, अभद्रता, बहने लगी हुई है लाइनों में, किसान की बेटियां, किसान की बहुएं, किसान की पत्नियां। कल सोमवार को गुना में किसानों ने हंगामा किया, टीकमगढ़ में चक्का जाम किया। कल अखबार की सुर्खियां हैं, चंदेरी के पे भी सड़कों पर किसान आए, फिर भोपाल, टीकमगढ़, सागर, निवाड़ी समेत जिले के किसान खाद के लिए हंगामा कर चुके हैं। लगातार खाद की किल्लत पूरे प्रदेश में, रायसेन पास में, रायसेन अभी फोन करके भी आप पता लगाओगे तो आपको घटना का सत्यापन हो जाएगा। 2 दिन से अवकाश के बाद लंबी लंबी लाइन है, लंबी लंबी। कृषि उपज मंडी स्थित एग्रो एमपी एग्रो के गोडाउन पर डीएपी उपलब्ध होने से यहाँ करीब 400 किसान पहुँच गए, पता चला यहाँ है तो 400 किसान पहुँच गए, लेकिन 12 बजे तक एक भी कोई कर्मचारी उन किसानों की सुध लेने नहीं आया, उनने हंगामा कर दिया, पुलिस ने लाठियाँ चलाई, खाद देने नहीं आया, 400 बोरियाँ रखी थी, बोरियाँ रखी थी, 400 किसान पहुँच गए, मतलब कितनी किल्लत है, यातना कितनी है। ऐसे ही भिंड में डीएपी खाद को लेकर किसान बहुत परेशान है, इंदिरा गांधी चौराहे पर किसानों ने चक्का जाम किया वहां पर। फिर पन्ना में भी यही हालत है, रीवा में भी यही हालत है, और एक महिला के साथ अभद्रता। सरकारी वितरण केंद्र खाद की मांग करते अधिक स्थिति का बलपुर पुलिस ने बल प्रयोग किया और महिला के साथ अभद्रता की। अब ये खाद कम क्यों है, ये खाद उपलब्ध क्यों नहीं हो रहा है? डीएपी की आवश्यकता कब पड़ती है? जब फसल को बोते हैं, रबी की फसल को बोते हैं, ये एक स्पेसिफिक समय होता है। अगर बाद में आप डीएपी दे भी दोगे तो कोई काम की। इन्हें डीएपी की मांग कितनी की? 8 लाख मेट्रिक टन, मिला कितना? 4 लाख मेट्रिक टन। यूरिया रबी की फसल में 2-3 बार उपयोग होता है। मैं किसान का बेटा हूँ, शिवराज जी नेतागिरी के लिए किसान के बेटे थे, मैं असल में किसान का बेटा, उनके और मेरे अंतर को आपको सब, मैंने बचपन से खेती में काम किया, शिवराज जी ने बचपन से लोगों के घर सोए, पद पद यात्राएं की, मैंने क्या होता है बीज, क्या होता है खाद, क्या होता है स्टार्टर, क्या होता है मोटर, क्या होती है केबल, क्या होता है खंभे पे जम्फर, क्या होता है अपनी जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें हुक क्या होता है, वहाँ हुक जब सरकारी कर्मचारी नहीं जोड़ने आते बिजली विभाग के तो खुद कैसे जोड़ते हैं, ये सब काम मेरे को मोटे तौर पे प्रैक्टिकली याद है। जब किसान की फसल खेत में होती है और दूसरी फसल लगाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है तो किस तरीके से फसल बिना भाव में बेची जाती है, ये किल्लत भी मैंने देखी है।
तो मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि किसान के बेटे जो के देश के कृषि मंत्री है वो नेतागिरी में किसानों से फायदा लेने के लिए किसान पुत्र बने, किसानों को लाभ दिलवाने के लिए किसान पुत्र नहीं बने। मैं एक मेरे पिता आज भी अगर अभी फ़ोन करके मैं लाइव करूँगा तो पूछूँगा कहाँ हो पिताजी, तो यही कहते मिलेंगे मैं इस खेत पे हूँ बेटा और ये करवा रहा हूँ, खेती का काम करवा रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल बात है। तो ये DAP और यूरिया की आवश्यकता कब पड़ती है? तो DAP का समय एक तरह से जाता हुआ है, 2-4-5 दिन 8 दिन व्यवस्था हो गई तो जिसको आवश्यकता है वो हो गई, नहीं तो उसका उपयोग ही नहीं। यूरिया 3 बार चाहिए, यूरिया की मांग थी 20 लाख मीट्रिक टन, आवश्यकता थी, मिला है 12 लाख मीट्रिक टन, मतलब 50% के आसपास। ऐसे NPK की 6 लाख मीट्रिक टन की मांग थी, मिली है 4 लाख मीट्रिक टन। ऐसे ही DAP NPK सब मिला के अलग 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 इसके आंकड़े हैं, पर कुल मिला के सरकार ने आकलन ही गलत किया। अपने मध्य प्रदेश की निकम्मी मोहन सरकार ने किसानों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए इनने आकलन ही कम किया कि कितनी खाद की डिमांड है। फिर जो डिमांड थी इससे बड़ी निकम्मी सरकार है देश की, उसने मांग की पूर्ति कम की। और ये किया क्यों? ये इसलिए किया कि नरेंद्र मोदी जी किसानों के हित की डबल इनकम की बात करते थे, किसानों को लाभ का धंधा बनाने की बात करते थे। उन्होंने पिछले 3 साल का सरकारी आंकड़ा है, 2020-23 में 22-23 में 2,51,000 करोड़ रुपया प्रोविजन रखा गया था सब्सिडी का, खाद की सब्सिडी, खाद महंगा आता है सरकार सब्सिडी देती है। फिर ये 2023-24 में 1,88,952, हाँ रिवाइज्ड है, 1,88,902 करोड़ रुपया ये सब्सिडी घटा दी, लगभग कितनी, लगभग 90 लाख करोड़ रुपए की। फिर 2024-25 ये जो अभी रिसेंट है इसमें 1,64,000 कर दी, यानी 1,00,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी घटा दी सरकार ने लगभग। तो इसका मतलब है उतना खाद आपने विदेशों से खरीदा जाता है, आया ही कम, क्योंकि सरकार ने सब्सिडी का प्रोविजन कम कर दिया है। इसलिए हर राज्य की इस तरह से डिमांड के पूर्ति के खिलाफ कम उन्होंने एक तरह से खाद उपलब्धता कराई। सरकार का निकम्मापन है किसानों के लिए, और मोहन सरकार का निकम्मापन है कि डिमांड ही कम की। अब किसान किल्लत में रोड पे है, एक तरफ वोट लेने हैं तो 6,000 रुपये का सोयाबीन, एक तरफ चुनाव हो गए तो जाओ भाड़ में, कोई मतलब नहीं हमें। तो ये इनकी दोहरी नीति है। तो किसान भाइयों ये तो होगी सरकार की बात, पत्रकार भाइयों ये तो होगी सरकार की बात, कांग्रेस पार्टी विपक्ष का दायित्व कैसे इस पूरे घटनाक्रम में निभाई? हम फिर से बुधनी जा रहे हैं और बुधनी के कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह करेंगे। वहाँ की जनता को, जो वहाँ की जनता है उसको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे कि उन्होंने हमें सहयोग किया, वो अपनी जगह है, वो उनके हम ऋणी हैं। इस दौर से निकालने के लिए, जो 1 साल का दौर गया संकट का दौर कांग्रेस का, उससे निकालने में हमारी उनने सहयोग किया, उससे ज़्यादा उनका धन्यवाद करेंगे कि उनने सरकार को मैसेज दिया कि किसानों के 6,000 रुपया कुंटल आपको सोयाबीन के दाम देने पड़ेंगे। ये हम जो बोल रहे थे उस पर एक तरह से सील लगाई बुद्धि की जनता ने। तो वहाँ जाकर फिर से इसकी शुरुआत करें कि 6,000 रुपया कुंटल सोयाबीन के दाम दो, नहीं तो किसान का बेटा सड़क पे मिलेगा। 3100 धान के दाम दो, नहीं तो किसान चुप रहने वालों में से है ही नहीं, न कांग्रेस है। 2700 रुपये गेहूं के दाम दो। मोहन भैया आपने लंदन में सुनो कि किसान सेंट्रिक नैरेटिव मत के मत में मतदान करके कहा कि ये लड़ाई कांग्रेस लड़े। मैं फिर से, हम बुधनी और विजयपुर दोनों जगह से इसकी शुरुआत कर रहे हैं इस लड़ाई की, कि इनको इनका घोषणा पत्र पूरा करना चाहिए। जब विधानसभा का सत्र आएगा उसके बाद वहाँ घेराव भी करेंगे, और जैसा मैंने कहा कि मंडियों में इसका आंदोलन, अभी कुछ दिन पहले मैंने बात की थी आपसे, इसका पूरा प्रोग्राम अगले महीने जनवरी में, फरवरी में जब गेहूं की फसल आएगी मार्च के आसपास, तब पूरा
मंडियों में इसका आंदोलन करेंगे, जैसे हमने पहले भी इस बात को करा था कि हम ट्रैक्टर रैलियां निकाले, हर जिले में निकाली, हर ब्लॉक में हमने आंदोलन किए, किसानों के हित के लिए किए, और उसका प्रतिसाद हमें विजयपुर और बुधनी की जनता ने दिया। अब हम ये लड़ाई को और बड़ी करेंगे और किसानों का हक अधिकार इस सरकार ने जो वादे किए पूरे करने के लिए इनको मजबूर करेंगे। जिसे पिछले 11 मंगलवार से मैं समय मांग रहा हूँ कि किसानों के हितों की बात करना है, पॉजिटिव करना है, कुछ सजेशन देना है, तो ये 11वां मंगलवार है, अभी तक उन्होंने मुझे समय नहीं दिया, आज भी मांगा है। तो मैं फिर से आपके माध्यम से शिवराज जी से आग्रह करता हूँ, ट्विटर के माध्यम से करता हूँ, उनको पत्र भी लिखता हूँ, जो उनके सरकारी विभाग है वहाँ भी लिखता हूँ, और ये मामा का घर है ना, ये मामा का अलग है और दो दो घर है, अब मामा का कौन सा है वो मुझे नहीं पता, दो घर है वहाँ, एक घर के दो बनाए हुए, मुकेश भी हमें गलत तो नहीं, दो का एक बनाया, केजरीवाल से ज्यादा पैसा खर्च किया है उसमें। तो मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि नहीं, मुझे ये जवाब विधानसभा का पता नहीं है, पर मुझे तो दो घर का पता था वहाँ, जो एक घर है मामा का कौन सा उसमें मैंने नहीं देखा, तो उसमें भी चिट्ठी पहुँचाता, मामा के घर में भी चिट्ठी। तो मामा जी से फिर निवेदन है कि आप देश के कृषि मंत्री हो, कांग्रेस के भी देश के कृषि मंत्री आप ही हो, मेरे भी देश कृषि मंत्री आप ही हो, मैं प्रार्थना करता हूँ आपसे हमें समय दो। मामा जी आप दिल्ली बुलाओगे तो हम आने को तैयार हैं, आप बुधनी में कहाँ आपका घर है जेत में वहाँ बुलाओगे तो आने को तैयार हैं, आप मामा का घर जो भोपाल में वहाँ बुलाओगे तो आने को तैयार हो, बीजेपी के कार्यालय में भी हमें समय दोगे किसानों के हितों के लिए तो वहाँ भी जाने के लिए हम तैयार हैं। मामा जी आप हमें समय दो किसानों के हित की, किसानों की रक्षा की और किसानों के लिए के भविष्य की, आपसे सकारात्मक बातें करना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, तो उनसे आग्रह वो भी दें। और कुछ बात रह गई होगी तो अभय जी भी आपको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं फिर से, इस लड़ाई की शुरुआत हो रही है अभी बुधनी और विजयपुर, इसकी शुरुआत हो रही है जब विधानसभा का सत्र आएगा तो उसका घेराव, और इसकी शुरुआत हो रही है कि हर मंडी में एक दिन कांग्रेस पार्टी 15 दिन का पखवाड़ा, हर मंडी में आंदोलन करेगी 15 दिन तक लगातार, इस सरकार को घुटने पे लाएगी, मजबूर करेगी। मोहन भैया, मोहन जी लंदन से जब टूरिज्म करके आ जाएंगे तब उनको चैन से, वहाँ चैन से सोए होंगे, क्योंकि हमारी आवाज़ जाए नहीं जाए आई डोंट नो, पर यहाँ आएंगे तो फिर चैन से सोने नहीं दिया जाएगा। मैं फिर से बुधनी की और विजयपुर के मतदाताओं को, खासकर मेरे कार्यकर्ताओं को, जो वहाँ हमने विधायकों की ड्यूटी लगाई थी विजयपुर में, जो पूर्व विधायकों की ड्यूटी लगाई थी, जिसमें करवा चौथ के दिन अपनी धर्म पत्नियों से जो पूजा पाठ एक धार्मिक व्यवस्था उसको छोड़कर सेवा की मेरे परिवार के लोगों ने, वो दिवाली के दिन जब सब पूरा प्रदेश और देश दिवाली अपने घरों में मना रहा था, जब कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता एक एक नेता विजयपुर में और बुधनी में लोगों के साथ, गरीबों के साथ दिवाली मना रहा था, उन सब परिवार वालों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। मैं अलग अलग ब्लॉक पे अलग अलग लोगों की ड्यूटी लगी थी, जो हमारे लोकसभा के परिवार के साथी हैं, जिनको हमने चुनाव में टिकट दिया था, नेटू सिकरवा, लाखन सिंह यादव, जयवर्धन सिंह, अशोक सिंह, जो हमारे दिनेश गुर्जर, पंकज उपाध्याय, ऐसे महेश परमार, ऐसे तमाम, फूल सिंह बरैया जी, हमारा बैजनाथ कुशवा जी, बाबू जंडेल, ऐसे तमाम परिवार के लोगों ने जान झोंक दी विजयपुर में, और भी ऐसे सैकड़ों में नाम कुछ के ले पाए हैं, तो मैं उनको खूब साधुवाद धन्यवाद देता हूँ, ऐसे बुधनी के कार्यकर्ताओं को। मैं समझता हूँ कि शिवराज जी हमेशा चुनाव को लूटते थे, उन्होंने जब मैं बुधनी गया इस चुनाव की तैयारी को लेके, तो 80% जगह एक बात एक जैसी निकल के आई कि
हमें बूथ पे नहीं बैठने दिया जाता है और प्रशासन कब्जा कर लेता है, तो इसका मतलब प्रशासनिक रूप से वो चुनाव लूटते थे। तो मैंने भरोसा नहीं किया कि ये तो चुनाव इतने लंबे हारते हैं तो उसके बहाने होंगे, पर जब हमने अपने बूथ पे हमारे कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा तो केवल बूथ पर अच्छी मेहनत से चुनाव लड़ा तो परिणाम आपके सामने है। तो मैं बुधनी की जनता को, कार्यकर्ताओं को, सब परिवारजनों को, ये शैलेन पटेल जी बैठे हैं, हमारे राजकुमार पटेल जी, हनुमान जी भी हैं, हे आए क्या यहाँ थे ऊपर, वो हनुमान जी जो इससे पहले लड़े थे, पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ी और उसका परिणाम आपके सामने।